हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथिका कॉलेज में अपने फ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठी होती है। तीनों बात कर रहे होते हैं, तभी उनमें से आनंद कहता है, तो ये तेरा, हम सब सिमी का बर्थडे मनाने के लिए क्लब जाएंगे। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रहा हूँ बहुत। बस बस, तुम दोनों का सोच कर ही मैं क्लब में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। और तू कान में तेल डालकर सुन ले, अपने उस छपरी गर्लफ्रेंड को लेकर मत टपक जाइयो, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या यार, कितनी तो स्वीट है वो। चल कोई नहीं, तेरा दोस्त तेरे लिए ये भी कर देगा। चल अब घर चलते हैं। यार मैं कल फ्री नहीं हूँ, तो एक काम करते हैं, क्लब जाने का प्लान ना हम परसों पे शिफ्ट कर देते हैं। परसों? अरे इसका बर्थडे कल है, परसों नहीं है। और तेरा कौन सा बिजनेस चला जो तू इतनी बिजी हो रही है? और फिर तो तू कल कॉलेज भी नहीं आ रही, तो कहाँ बिजी रहेगी? कहीं नहीं यार, बस घर पे आराम करूंगी और अपने मंगू को वॉक पर लेकर जाऊंगी। बता, तू पूरा दिन पसर के सोएगी और इस कुत्ते को घुमाएगी, इसलिए तू उसके बर्थडे में नहीं आ रही? वाह क्या बात है। अभी इसके बर्थडे के लिए अपनी नींद थोड़ी ना खराब कर सकती हूँ मैं। वैसे भी अच्छे से ना सो पाने की वजह से मेरी स्किन कितने डल होती जा रही है। अरे यार, जितना इतने दिनों में नहीं सोई, एक दिन और नहीं सोएगी तो तेरे जवान स्किन में झुर्रियां नहीं आ जाएंगी। ओए रहने दे, इस सेल्फ सेंटर्ड लड़की के साथ ना माथा पच्ची करने से कोई फायदा नहीं है। इसे तो बस अपने से मतलब है, बाकी जाए तेल लेने। इसकी सोच कर मैंने क्लब जाने के लिए हाँ की थी, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता। अरे यार इतना क्यों गुस्सा दिखा रही है? एक दिन तेरा बर्थडे लेट हो जाएगा तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? पाल तुम्हें खामा का बकवास करे जा रही है। इतना कहकर सार्थिका वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। सार्थिका एक स्मार्ट और बिंदास लड़की थी, जो सिर्फ खुद को ही अहमियत देना जानती थी। उसके आसपास के लोग क्या चाहते हैं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेल्फ सेंटर्ड रहना ही जैसे उसकी आदत सी बन गया था, जिसके कारण वो सिमी के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाने के लिए हाँ नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा करना जरूरी नहीं समझती। समय बीतता है और उसे उसी कॉलेज में पढ़ने वाले पंकज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। एक दिन दोनों डेट के लिए एक कैफे में आते हैं, तभी सार्थिका कहती है, यार पंकज तुम मुझे कॉफी पर क्यों लेकर आए हो? मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है यार, पर हर बार मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ चाय पीता हूँ, तो मैंने सोचा एक बार तुम भी मेरे साथ कॉफी पीने का मजा लो। अरे यार जब मुझे कॉफी पीना पसंद ही नहीं है, यहाँ मेरे मतलब का कुछ है ही नहीं, तो जबरदस्ती यहाँ पर बैठकर टाइम खराब क्यों करूँ? अच्छा ठीक है, दो मिनट रुको, तब तक मैं अपनी कॉफी पी लेता हूँ। देखो दो मिनट में बाहर आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है और उसे अपने लिए दो मिनट ना बैठते हुए देखकर पंकज खुद से कहता है, क्या लड़की है यार, प्यार करती है मुझसे, पर मेरे लिए दो मिनट मेरी फेवरेट जगह पर नहीं बैठ सकती, बस खुद के बारे में सोचती है। मैं भी ना दिल से मजबूर हूँ जो इस पर आ गया। खैर कोई नहीं, प्यार में ये सब तो चलता है। इतना कहकर वो जल्दी से कॉफी पीकर उसके पास जाता है। समय बीतता है, पंकज और सार्थिका एक दूसरे के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, और दोनों पक्षों की सहमति के बाद घर वालों के आशीर्वाद के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन जब सार्थिका शॉपिंग करने मार्केट गई होती है, तभी उसकी सास माला घड़ी की ओर देखती है, और तभी सार्थिका हाथ में ढेर सारे शॉपिंग के बैग्स लेकर घर आती है और आते ही सोफे पर बैठ जाती है। तभी माला कहती है, आ गई बाजार लूट कर, ला दिखा जरा क्या क्या लाई है मेरे लिए। आपके लिए? अरे मैं अपने लिए शॉपिंग गई थी, अपने लिए खरीद कर लाई हूँ, आपके लिए नहीं। अरे तो मैंने तुझे अपने लिए एक बनारसी साड़ी लाने को कहा था, वो लाई है ना? अच्छा वो बनारसी साड़ी? हाँ वही, बता दे किस थैले में है। सासू माँ वो तो मैंने ली ही नहीं। अरे एक चीज मंगवाई थी तुझसे, वो भी तुझे लाने में भारी पड़ रही थी क्या? ओहो सासू माँ वो बहुत भारी होती है। चलो अगर मैं ले भी लेती, लेकिन पता है वो कितने की थी? पूरे 12,000 की। अब अगर मैं 12,000 की सिर्फ आपकी एक बनारसी साड़ी ले लेती तो अपने लिए कैसे लेती, मैं तो कंगाल हो जाती। मतलब इतने सारे थैलों में तेरा सामान है और कुछ नहीं? हाँ तो इतनी कड़ी धूप में मार्केट जाऊंगी तो अपने लिए ही सामान लेकर आऊंगी ना, सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है मैंने। आपको लानी है ना तो आप खुद चली जाना, वैसे एक गिलास मुझे पानी पिला दो, बड़ी प्यास लग रही है। पानी खुद लेकर पी ले बहू, अभी मुझे तो प्यास लगी नहीं है, जो मैं पानी पीने जाऊं। इतना कहकर माला वहां से गुस्से में चली जाती है।
अगली सुबह नाश्ते के समय टेबल पर खाने में भिंडी की सब्जी देखकर पंकज कहता है, भिंडी, तुमने भिंडी की सब्जी क्यों बनाई? क्यों बनाई का क्या मतलब होता है? मुझे पसंद थी, मैंने बना दी, और तुम ऐसे गंदे गंदे मुंह क्यों बना रहे हो? तुम्हारी तो फेवरेट है ना? फेवरेट थी, अब नहीं है, और माँ को भिंडी से एलर्जी है, पता नहीं है क्या तुमको? यार मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ जो सुबह सुबह तुम्हारे लिए 56 तरीके का और नाश्ता बना दूँ। मुझे भिंडी खानी थी, मैंने भिंडी बना दी, अब मैं तुम्हारी माँ के लिए फिर से किचन में जाऊँ। यार सब पता होते हुए भी तुम अपने तक ही क्यों सीमित रहती हो? अपना सोचकर ये भिंडी तो बना ली, लेकिन माँ के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या खाएंगी। रहने दे बेटा, इसको खाली अपने से मतलब है, घर में और भी लोग रहते हैं, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको तो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता वाला हाल है। अरे इसका नाम सार्थिका नहीं स्वार्थिका होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों खाने के टाइम पे बहस क्यों कर रहे हैं। सासू माँ, आपको भिंडी नहीं खानी है तो मत खाओ, साइड में अचार का डब्बा रखा है, अचार निकालो, पराठे पे लगाओ और खा जाओ। तू ही ठूस ये भिंडी और ये अचार भी। सार्थिका तुम कितनी सेल्फ सेंटर्ड हो, ये तुमने आज बता ही दिया। दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सार्थिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बैठकर आराम से खाना खाती है। अब सास बेटे के साथ मिलकर अपनी सेल्फ सेंटर्ड बहू को रास्ते पर लाने की तरकीब सोचते हैं। और एक दिन पंकज सार्थिका को कॉल पर कहता है, सुनो ठीक 4 बजे मेरे ऑफिस के बाहर आ जाना, फिर वहीं से हम लोग मूवी देखने चलेंगे। ठीक है मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। शाम को उसे तैयार होने में घर पर ही 5 बज जाते हैं। जब वो पंकज के ऑफिस पहुंचती है तो पंकज उसे वहां नहीं मिलता। कुछ देर इंतजार करके वो घर लौट आती है तो देखती है कि पंकज हॉल में बैठा है। तभी वो गुस्से में कहती है, पंकज तुम कितने खराब हो यार, मैं जरा सा लेट क्या हो गई, तुम सीधा घर चले आए, एक बार सोचा भी नहीं मेरे बारे में। नहीं सोचा, अभी तुम्हारे इंतजार में अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता था ना, इसलिए चला आया घर। और इतना उदास क्यों हो रही हो? अरे मैं तो तुमसे प्रेरणा लेकर सेल्फ सेंटर्ड होने की राह पर चल रहा हूँ, और कुछ नहीं। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। किसको याद दिला रही हो, मुझे या खुद को? यार अभी तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब सार्थिका हॉल में आती है तो अपनी सास को पिज्जा खाते देखकर जोर से छींक पड़ती है। सासू माँ पिज्जा। अरे बहू तुझे कुत्ता छींक हुई है क्या, इतना क्यों छींक रही है? आपके पिज्जा में शिमला मिर्च है क्या? अभी सब्जी वाला पिज्जा है तो शिमला मिर्च तो होगी ही, मेरा मन कर रहा था इसलिए मंगवा लिया। ले तू भी खा ले। दूर हटाओ इसे या फिर कमरे में ले जाओ। अच्छी, मुझे शिमला मिर्च से एलर्जी है। हाँ तो मैं क्या करूँ, तेरी एलर्जी के चलते मैं पिज्जा ना खाऊं, तू बाहर जाकर छींक ले। सासू माँ मैं बहू हूँ आपकी, थोड़ी तो फिक्र करो। अरे औरों की फिक्र ना करना तो मैंने तेरे से ही सीखा है, अभी खाली मैं अपने बारे में सोचती हूँ। वो क्या है ना, अभी बहू सेल्फ सेंटर्ड है तो सास को भी सेल्फ सेंटर्ड होना ही पड़ेगा। बस कीजिए सासू माँ, मैं समझ गई हूँ कि एक परिवार में रहकर मुझे सेल्फ सेंटर्ड नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर चलना है, सबकी खुशियों का ख्याल रखना है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं बल्कि फैमिली सेंटर्ड बनूंगी। देख बहू, अपने बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन बस अपने ही बारे में सोचना गलत है। अच्छा हुआ तुझे समझ तो आया। दिव्यानी अपने पति विजय के हाथों से गाड़ी की चाबी लेकर उससे बोलती है, आज आप फिर नाइट आउट करने जा रहे हैं? हाँ यही तो उम्र है, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा, जब मेरी उम्र निकल जाएगी तब। हाँ आपकी उम्र है नाइट आउट करने की, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ ना, मुझे भी नाइट आउट करना है। अगर इतना ही नाइट आउट का शौक है तो शादी से पहले करती ना। अच्छा कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद लड़कियां नाइट आउट नहीं कर सकती? और आप मेरे पति हैं, जब आप नाइट आउट पर जा सकते हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और अगर नहीं लेके गए ना तो मैं क्या कर लोगी? तो मैं माजी को बता दूंगी, फिर आपका जाना भी कैंसिल। इतना बोलकर वो अपनी सास कुमकुम को आवाज लगाने लगती है, पर विजय उसका मुंह बंद करके उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर दिव्यानी नहीं मानती और लास्ट में विजय हार मानकर उसको अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद
दिव्या ने जल्दी से ड्रेस चेंज करके एक शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है और विजय के सामने आकर उससे बोलती है, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम सच में मेरे साथ नाइट आउट के लिए जा रही हो? हाँ, तुम्हें भी कोई डाउट है? नहीं, पर सब लड़के होंगे, उनके बीच में तुम क्या करोगी? तुम्हारे साथ घूमूंगी, मजे करूंगी, और वैसे भी तुम्हारे जिगरी यार अमन से ना मेरी बात हो गई है और उसने मुझे इनवाइट भी किया है, तो चलो। और वैसे भी मुझे कोई नहीं छेड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी जो हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आकर कार में बैठ जाती है और कुछ ही देर में विजय वहाँ पर आकर कार को ड्राइव करने लगता है, जिस पर दिव्यानी खुशी में जोर जोर से चिल्लाती जाती है और विजय मुंह बनाकर उससे बोलता है, तुम्हें मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है? अगर माँ को पता चल गया ना तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरा जीना भी हराम कर देंगी। यार देखो, अभी मौका है, तुम घर चली जाओ, तुम फिर कभी नाइट आउट कर लेना। तुम्हें बड़े कीड़े काट रहे हैं मेरे जाने से, क्या बात है, कोई और आ रहा है क्या मेरी जगह? यार तुम शक क्यों कर रही हो? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, मुझे ना चाहकर भी तुम्हारे ऊपर शक करना पड़ रहा है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम्हारे दोस्त को जुबान दी है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। और कुछ ही देर के बाद विजय अपने दोस्त अमन से मिलता है। अमन दिव्यानी से मिलते ही उससे बोलता है, भाभी अच्छा किया आप भी आ गई, अब हम करेंगे मजे। वैसे ब्रो यहाँ से कहाँ चलना है? विजय कुछ बोलने वाला होता ही है कि उससे पहले दिव्यानी बोलती है, बहुत दिन हो गए, माता के दर्शन कराते हैं। लो भाई सुन लो, माता के दर्शन कराते हैं। मैडम आप कहो तो यहीं रोड पर माता का जगराता भी करवा लें। भाई भाभी को क्यों डांट रहा है? भाभी हम ना आपको कल माता के दर्शन करवा देंगे। अभी ना भाई एक काम करते हैं, पहले कुछ बोतल ले लेते हैं और उसके बाद कहीं बढ़िया सी जगह बैठकर ना उसको पिएंगे, फिर उसके बाद कहीं चलते हैं। दोनों दोस्त प्लान बनाकर कार में बैठते हैं और थोड़ी आगे जाकर कार को साइड में पार्क करके विजय दिव्यानी से बोलता है, दिव्यानी ये लो कार की चाबी, हम दोनों बस अभी आ रहे हैं, तुम कहीं मत जाना जब तक हम दोनों ना आ जाए, समझी? और हाँ कार में ही रहना, मैंने कार लॉक कर दी है। विजय दिव्यानी को कार के अंदर बिठा कर वहाँ से अमन के साथ ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। दिव्यानी उसके जाने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दिव्यानी बहुत ज्यादा डर जाती है और उन लड़कों के थोड़ा आगे जाने के बाद वो कार से निकलकर कार को लॉक करके वहाँ से विजय के पास जाती है। उसको ऐसे डरे सहमे देखकर विजय बोलता है, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? विजय के पूछने पर दिव्यानी उसको सारी बातें बता देती है, जिस पर विजय उससे बोलता है, अरे मेरी माँ, मैंने बोला था ना गाड़ी से बाहर मत आना, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वहीं पर है, मैंने गाड़ी से उतरकर उसे लॉक कर दिया था। वो तीनों जल्दी से गाड़ी के पास जाते हैं पर गाड़ी वहाँ नहीं होती। गाड़ी को वहाँ ना देखकर विजय परेशान हो जाता है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसको ऐसे देखकर दिव्यानी उसे सहानुभूति देने की कोशिश करती है, लेकिन विजय गुस्से में उससे बोलता है, अब पता चला मैं क्यों मना कर रहा था तुम्हें, पर तुम्हें किसी की सुननी कहाँ है, तुम्हारी वजह से गाड़ी खो गई, अब तुम ही ढूंढोगी उसको। इतना बोलकर विजय गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसको घर ले जाता है और अगली सुबह उसके पास एक कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि गलत पार्किंग करने की वजह से उसकी कार एमसीडी वाले उठाकर ले गए थे और अब वो वहां जाकर अपनी गाड़ी को ले सकता है। ये खबर सुनते ही दिव्यानी गुस्से में आ जाती है और विजय को अच्छे से सुनाना शुरू कर देती है, जिस पर विजय उससे माफी मांगता है पर दिव्यानी उससे बोलती है, माफी एक ही शर्त पर मिलेगी और वो शर्त ये है कि तुम मुझे अपने साथ नाइट आउट पर लेकर जाओगे। मेरी माँ तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, अब माफ भी कर दो। दिव्यानी अपनी बात मनवा कर उसको माफ कर देती है। एमसीटी वालों के पास जाता है तो वहीं दिव्यानी के पास उसकी फ्रेंड निशु का कॉल आता है और वो उसको नाइट आउट के लिए बोलती है। नाइट आउट का नाम सुनते ही दिव्यानी घर में बिना किसी से पूछे उसको हाँ बोल देती है और रात में नाइट आउट करने के लिए तैयार हो जाती है। उसको ऐसे तैयार होता देखकर विजय बोलता है, दिव्यानी मैंने बोला है तुम्हें कि मैं ले जाऊंगा नाइट आउट पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आज ही चले हम, वैसे भी कल ही तो गए थे ना। कहाँ गए थे हम, कल तुम्हारी कार उठ गई थी तो हमें घर वापस आना पड़ा और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं अपने दोस्त निशु के साथ जा रही हूँ,
ओके बाय। चुपचाप घर में बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर विजय सोने के लिए चला जाता है। दिव्यानी उसके सोने का ही इंतजार कर रही होती है। विजय के सोते ही वो घर से नाइट आउट के लिए जाने लगती है, पर जैसे ही दिव्यानी घर का मेन डोर खोलती है, उसी समय उसकी सास कुमकुम उसको देख लेती है और उस पर बरसना शुरू कर देती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर विजय बाहर आता है और कुमकुम अपने बेटे से बोलती है, ये सब हमारी गलती है कि हमने अपनी बहू को इतनी छूट दे दी, तभी तो आज हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं कि हमारे घर की बहू बिना किसी को बताए आधी आधी रात को अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। दिव्यानी अपनी सास की बातों को सुनकर रोने लगती है और अपने कमरे में जाकर अपने दोस्तों को मना कर देती है। उसको ऐसे उदास और रोता हुआ देखकर विजय उसके पास आकर उससे बोलता है, तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार नाइट आउट करना है ना? मैं करवाऊंगा और माँ को बताकर, ताकि कल को तुम्हें कोई नाइट आउट करने से रोक ना सके, माँ भी नहीं। विजय उसको समझा बुझा कर सोने को बोलता है और एक दो दिन के बाद घर का माहौल शांत होने पर वो एक बार फिर अपनी माँ से बात करके दिव्यानी को अपने साथ नाइट आउट के लिए ले जाता है, जहाँ वो उसको क्लब डिस्को हर जगह घुमाता है और वो हर चीज करवाता है जिसका शौक दिव्यानी को होता है। और इस तरह से आखिरकार दिव्यानी का नाइट आउट का सपना पूरा हो ही जाता है और वो विजय के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।